लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच। देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। मंच पर बैठे हुए मेरे वरिष्ठ साथियों और खास तौर से आए हुए आप पत्रकार बंधु, किया है उस पर चर्चा होनी ज्यादा जरूरी है। और एक अंतर आप कांग्रेस की चुनी हुई सरकारें जब चुनाव में जाती हैं, बशर्ते जब भाजपा की जाती है तो एक बहुत बड़ा अंतर है। जब कांग्रेस की चुनी हुई सरकारें चुनाव में जाती है तो वो अपना काम दिखाकर, अपने पिछले घोषणा पत्र में कितना परसेंट काम पूरा हुआ वो बताकर और डंके की चोट पर सारे पूर्ण निवेदन करके जनता से आशीष दोबारा मांगती है। ये हमारा मैनिफेस्टो है जो कि कल लॉन्च हुआ। 7 गारंटी के बारे में आप वाकिफ हैं, लेकिन मैं उसको जरूर दोहराऊंगी। अभी हमारे 2018 के घोषणा पत्र के 98% काम पूरे करके हम जनता के सम्मुख फिर से वोट मांग रहे हैं। हमारा सारा ध्यान, हमारा सारा नैरेटिव, हमारे शीर्ष नेताओं का, हमारा मुद्दों पर है जो काम हमने किए हैं और काम बहुते रहे हैं। काम हमने युवाओं के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए किया है, किसानों के लिए किया है, वृद्धों के लिए किया है, हर तबके, हर वर्ग, हर समुदाय, हर उम्र के लिए काम किया है। और इसी से हमें हौसला मिलता है कि हम दंगे की चोट पर जाकर वोट मांगते हैं जनता से और जनता को अपने सम्मुख खड़ा पाया नजर आता है। महिलाओं से बात शुरू करना चाहती हूँ। आधी आबादी की संख्या यहाँ पर भी कम है और राजनीति में जो शायद इससे भी कम ही रहती होगी। महिलाओं के लिए राजस्थान पहला ऐसा राज्य बना जिसने 500 का सिलेंडर दिया और ऐसी योजना थी कि इस देश के प्रधानमंत्री को भी इसको कॉपी पेस्ट करके अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में डालना पड़ा। जबकि असलियत यह है कि 10 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे तो 10 राज्यों में 500 का सिलेंडर दे सकते हैं, चाहे तो पूरे देश में 500 का सिलेंडर दे सकते हैं। असल बात यह है कि महंगाई से राहत के लिए जो काम राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में उठाए, चाहे उसमें अन्नपूर्णा योजना हो जिसमें दाल, नमक, चीनी, तेल जैसी चीजें कम दामों पर दी जाती हैं, ये एक बहुत बड़ी पहल थी। और इसकी चर्चा मैंने करीब 1 महीने का वक्त चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में गुजारा, वहां पर इसकी चर्चा थी। 100 यूनिट बिजली मुफ्त होने का फायदा तमाम परिवारों को राजस्थान में मिला और मुझे ऐसा लगता है कि महंगाई के दौर में वो एक बड़ी राहत थी। और इसलिए मैंने महिलाओं की बात पहले करी क्योंकि महंगाई का दंड सबसे ज्यादा महिलाएं झेल रही हैं। अब एक बात कर लेते हैं जो इस देश ने झेला और जिससे हम सब वाकिफ हैं। आप अमीर हो, गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग के हो, मध्यम वर्ग के हो, बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, और मैंने आप लोगों की तरह बहुत साल पत्रकारिता करी, अगर घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो सारा बजट बिगड़ जाता है। और असलियत यह है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार की चिरंजीवी योजना जो 25 लाख की लाई गई, उसके बहुत लाभार्थी थे, बहुत लोगों को उसके लाभ मिला। और हम बहुत उत्साहित हैं कि ऐसी योजना 2024 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम उसको जरूर लॉन्च करेंगे। हमने मध्य प्रदेश में इसी योजना को उठाकर लोगों को बोला कि हम राजस्थान जैसी योजना लॉन्च करना चाहते हैं। और अब मुझे फख्र है ये कहते हुए कि नए वाले मैनिफेस्टो में हम उस योजना को 25 लाख से 50 लाख पर करने जा रहे हैं। हम आपदा के लिए 15 लाख का एक बीमा देने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य, महंगाई की ये दो चीजें मैंने कवर कर ली। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपने जीवन के 3-4 दशक सरकार को दे देते हैं, सरकारी कर्मचारियों की। जिस कोने में देश के चले जाइए एक ही डिमांड है, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दीजिए। और राजस्थान की सरकार ने प्रथम पहल की थी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की, केंद्र सरकार के लाख करोड़ों के बावजूद। और अब हमारा वादा है कि हम पुरानी पेंशन स्कीम को कानूनी गारंटी देंगे।
हमारा वादा है कि हम 500 सिलेंडर के को 400 का सिलेंडर करेंगे। हमारा वादा है कि हम महिला मुखिया के खाते में 10,000 रुपए सालाना डालेंगे। तो पुरानी पेंशन स्कीम एक ऐसी चीज है जिसको हमने हिमाचल में किया, छत्तीसगढ़ में किया, राजस्थान में किया और अब इसको कानूनी गारंटी देनी जरूरी है। और इससे इतनी खलबली मची हुई है क्योंकि एनपीएस में कहीं को 19 रुपए मिलता है, किसी को 20 रुपए मिल रहा है, किसी को 900 रुपए मिलता है जिसकी तनख्वाह 75-80 हजार थी। लोग त्रस्त है और लोग कह रहे हैं हमें हमारी पुरानी पेंशन स्कीम ही लौटा दो। मुझे ऐसा लगता है बहुत नसीहत देने वाले हैं और आप सब जो लोग हैं या हम लोग जो इस तरफ बैठे हैं मंच के या आप लोग जो उस तरफ हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और हर व्यक्ति चाहता है कि बच्चा जो है वो इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करे और उसके लिए जरूरी है कि वो उस भाषा को सीखे और समझे जिसपे दुनिया बात कर रही है, वो भाषा अंग्रेजी है। आप में से किसी से भी पूछा जाएगा, दिल पर हाथ रख के कहिएगा, हर व्यक्ति अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहता है। ये सुविधा गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, गांव देहातों में क्यों ना अवेलेबल हो? जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए जहां पे मुफ्त शिक्षा की बात की जा रही है उसको और बढ़ाने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। और मुझे ये सोचकर और सुनकर दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नसीहत देते हैं कि मत पढ़ाओ अंग्रेजी मीडियम स्कूल में, लेकिन इन सबके बच्चे विदेशों की यूनिवर्सिटीज में लंबी मोटी रकम देकर पढ़ते हैं। ये याद रखना जरूरी है। मुझे लगता है कोविड काल के दौरान जब आपदा काल आया तो मनरेगा को बढ़ाकर 100 दिन से 125 दिन करने वाली पहली सरकार कांग्रेस की थी और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना भी सबसे पहले कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में शुरू की थी। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जिसका जिक्र करना जरूरी है जो अब हम करने जा रहे हैं। इसमें किसानों के लिए एमएसपी का कानून है और हमारी हर सरकार, हमारा शीर्ष नेतृत्व लगातार किसान के लिए एमएसपी की बात कर रहा है क्योंकि किसान के लिए जब तक एमएसपी नहीं होगी किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। मैं शॉक्ड हूं और मुझे हंसी भी आती है, दुख भी होता है कि इस देश के प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बात करते हैं अपने 2700 रुपए गेहूं खरीदूंगा। उत्तर प्रदेश बगल में, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं, आपसे कुछ प्रबुद्ध पत्रकार जरूर वहां जाइएगा, पूछिएगा 2700 में उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं गेहूं खरीदा जा रहा है। 10 जगह आपकी सरकार है और उन 10 जगहों में आप क्यों नहीं गेहूं खरीदते हैं 2700 में? तो जिस एमएसपी की डिमांड करते, जिस एमएसपी की मांग करते 750 की शान शहीद हो गए, जिस एमएसपी को लेके कानून बनाना था और आज तक सरकार ने कुछ नहीं किया, जिस एमएसपी को लेके केंद्र में आते ही मोदी जी ने कानून पारित किया कि बोनस नहीं दिया जाएगा उपज पर, उस एमएसपी की बात आज किस मुंह से इस देश के प्रधानमंत्री करते हैं ये मैं जरूर जानना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें भारतीय जनता पार्टी हमसे जरूर सीखेगी और आगे भी जाकर इन बातों की चर्चा करेगी, लेकिन उसके पहले मैं दो बातों पर मुख्य रूप से बात करना चाहती हूँ क्योंकि जब तक किसान का भला नहीं होगा तब तक किसी का भला नहीं होगा। और किसान के लिए अगर हम ब्याज मुक्त ऋण की बात करते हैं या 2000 मुफ्त यूनिट बिजली की बात करते हैं या किसान पेंशन जो राजस्थान में दी जा रही है, ये सब किसान सम्मान की बातें हैं, किसान को सशक्त और सुरक्षित करने की बात है। अंत में मैं दो बातें कहूंगी क्योंकि इसको लेकर थोड़ा बहुत भ्रम फैलाया जाता है और उसको कहने से पहले ये भी बताऊंगी कि राजस्थान जिसको अधिकांश लोग समझते हैं कि गांव देहातों में बसता है, पहला राज्य है हिंदुस्तान का जिसने गिग इकोनॉमी, आपके स्विगी, आपके जोमैटो, आपके डिलीवरी बॉयज को लेकर एक फंड बनाया और उनकी सुरक्षा, उनके सामर्थ्य की भी बात करी। ये आगे की सोच दिखाता है गहलोत सरकार की, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार। दो चीजें हैं जिस पर लेकर भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाती है और उस भ्रम के जाल को तोड़ना जरूरी है। एक, अभी थोड़े दिनों पहले मैंने यहां पर सुना मोदी जी गंगानगर आए थे और मंच से पेट्रोल की बात कर रहे थे। इस देश के प्रधानमंत्री को अगर एक मुद्दे पर मुंह नहीं खोलना चाहिए तो वो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का सिलेंडर है। आपने इस देश के लोगों की जेब से 30 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं, मुनाफाखोरी करी है, बेसिक एक्साइज नहीं बढ़ाई बल्कि स्पेशल और एडिशनल एक्साइज
13 बार बढ़ाइए। बेसिक बढ़ाते तो राज्यों के साथ साझा करनी पड़ती। किस मुंह से आप बात करते हैं आप यहाँ में पेट्रोल के दाम? असलियत यह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत कम हो सकते हैं अगर एक्साइज ड्यूटी सरकार कम कर। क्यों नहीं कम करते हैं मोदी जी? क्यों मुनाफाखोरी करते हैं? और किस मुंह से आकर राजस्थान में जहां पर इतनी जनकल्याणकारी योजनाएं चल रही है लोगों को भड़काने का काम करते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत चूंकि आर्थिक मुद्दों की समझ रखती हूँ, ये ढकोसला और ये ढोंग का भांडा फोड़ करना बहुत जरूरी था। जो 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी डीजल पर 2014 में थी, आज वो एक्साइज ड्यूटी 31 रुपए है। जो 9 रुपए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर थी, आज वो 33 रुपए प्रति लीटर है। किस मुंह से बात करते हैं आकर ये राज्यों की तरफ उंगली दिखाकर? असलियत ये है कि जो एलपीजी सिलेंडर 800 पे बिकना चाहिए था वो आप 1200 पे बेच रहे हैं, और इसीलिए हम प्रतिबद्ध हैं कि राजस्थान में हम 400 पे बेचेंगे और मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी तो 500 पे। हमारा वादा भी है, हमारा विश्वास भी है। और एक बात महिला होने के नाते और इस मंच से करनी जरूरी है, जब इस देश की सबसे होनहार बेटियां आरोप लगाती है यौन शोषण का, तो मोदी सरकार अपने सांसद को निलंबित नहीं करती है, पार्टी से नहीं निकालती है, अपने बगल में बिठाकर लड़कियों के घाव पर मिर्ची लगाने का काम करती है। जब इस देश में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है उसको 2:30 बजे रात को, पूछिएगा योगी आदित्यनाथ जी आज बीकानेर में, क्यों 2:30 बजे रात को गुड़िया को जला दिया गया उसके माता पिता के ना रहते हुए? कैसे लखीमपुर में चुनी हुई प्रतिनिधि का चीरहरण हुआ? कैसे उन्नाव में आपका एमएलए दोषी पाया गया, आरोपी नहीं सामूहिक बलात्कार का और हत्या का? कैसे मणिपुर में 2 नग्न औरतों को एक आदमखोर की भीड़ तैनाती रही और 78 दिन तक इस देश के प्रधानमंत्री और सारा महकमा चुप रहा? और राजस्थान आप आके महिलाओं की बात करिएगा, महिला के खिलाफ जहां पर भी अपराध हो वो जघन्य है, वो अक्षम्य है, वो सभ्य समाज के नाम पर धब्बा है। लेकिन उसके बाद कानून और सरकारें क्या करती हैं, बात आकर इस पर टिक जाती है। राजस्थान की गहलोत सरकार आपको यौन शोषण के आरोपी के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आएगी। राजस्थान की गहलोत सरकार आपको 2:30 बजे रात को एक गुड़िया को जलाते हुए नजर नहीं आएगी, आपके एमएलए को बचाते हुए नजर नहीं आएगी कि कोर्ट की निर्देश आने पड़े तब सिंगर की गिरफ्तारी हुई थी। और एक बात सच है कि राजस्थान में रेप में कन्विक्शन रेट 48% है जबकि नेशनल एवरेज 28% है। राजस्थान में महिला अत्याचार के मामलों में कन्विक्शन रेट 46% से ऊपर है जबकि नेशनल एवरेज 26% है। राजस्थान में महिला अत्याचार के मामलों में निलंबित मामले की दर 9% है, नेशनल एवरेज 35% है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस मुंह से जिन लोगों ने 78 दिन तक मणिपुर के उस भयावह वीडियो के पे मुंह नहीं खोला था, जिन्होंने हाथरस में नहीं बोला, जिनके घर से 500 मीटर दूर पर इस देश की होनहार बेटियां न्याय की गुहार लगाती रही, उनको जमीनों पर सड़कों पर घसीटा गया और घुटनों तले रौंदा गया, जिन सीनों पर कभी मेडल लगता था जिन्होंने एक शब्द नहीं बोला, वो किस मुंह से आकर राजस्थान में महिलाओं की बात करते हैं? ये बात मैं इस मंच से स्वतः करना चाहती हूँ इससे पहले कि आप मुझसे सवाल पूछिए। मैं अंत सिर्फ एक बात कह के करूंगी और ये बात जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल की जो सरकार होती है उसका पहला दायित्व है कि वो जनता को बताए हमने क्या काम किया है। उसका ये दायित्व नहीं है कि वो इधर का मुद्दा उधर का मुद्दा फलाना ढिकाना ये आरोप वो आरोप के पीछे छुपे। उसका काम है बताना हमने ये काम किया, आपको ठीक लगता है तो हमें दोबारा से वोट दीजिए। आप मेरे नेता की स्पीच सुनिए, हमारे अध्यक्ष की स्पीच सुनिए, हमारे मुख्यमंत्री की सुनिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व की स्पीच सुनिए, हम अपने काम के नाम पर आपसे वोट मांग रहे हैं क्योंकि जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने जुमले से पूछिए, जनता को फर्क पड़ता है कि उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनका रोजगार, उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो। और मुझे ऐसा लगता है कि हम इन सब टिक बॉक्सेस को टिक करते हैं और इसीलिए पुनः जनता के समक्ष गए हैं। आपके सवालों का मैं स्वागत करती हूँ, अगर सवाल वो मुद्दों पे रहे तो बहुत अनुग्रहित रहूंगी आगे सवाल के लिए। एक पत्रकार बहुत अच्छा लिखता है, तो सोचता हूँ आप दूसरे पत्रकार पहले बात बहुत अच्छा आप ही की तरफ क्यों इधर बैठ रहे हैं?
आप ही लोग कम बच्चे की हो गई मैंने पता है आप मेरी तरफ से इधर से भी हो और वैसे भी आपने बहुत सारी दलील दी महिला सुरक्षा आप खुद एक महिला है और फिर आप पत्रकार राजनीतिक बात आप इतने सारे तर्क के साथ आरोप प्रत्यारोप तो कर सकते फिर क्यों नहीं बोले आपकी विधानसभा में आपका ही मंत्री जब जब ये कहता है कि राजस्थान में तो गलत बोला आपने उसको जिक्र क्यों नहीं किया मैं अगर आप कुछ जिक्र करते तो आपकी सारी बातें समावेश हो जाती लेकिन जब आप इसको दबाते हो तो बुरा नहीं आप जब मुझसे अगर व्यक्तिगत पूछा तो मुझे बहुत आपत्ति थी मैंने इसका विरोध भी किया आप मेरी टाइमलाइन चेक कर लीजिएगा मेरा अपना मानना यह है कि महिला के खिलाफ कहीं भी अत्याचार हो चाहे वो राजस्थान में हो चाहे कांग्रेस की किसी और सरकार के राज्य में हो चाहे भाजपा शासित प्रदेश में हो चाहे गैर कांग्रेस गैर भाजपा में हो 76 साल आजादी के इस कमरे में 50-100 लोगों में 2 महिलाएं बैठी है ये मेरे लिए अक्षम्य है